क्या मोदी जी ने ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। जम्मू कश्मीर कहते हैं भारत का मुकुट था, इस मुकुट में पर एक किल चुभी लगी हुई थी जो हमारे इस सिर को खुजाती रहती थी, चुभती रहती थी, और वो कोर खाज बन गई थी, कैंसर बन गई थी। मोदी ने एक झटके में इसका ऑपरेशन कर दिया। दो बड़े काम और बचे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है उसको लेना, सिविल कोड कॉमन सिविल कोड का निर्माण करना और एक राम मंदिर का निर्माण करना, वही एक जनसंख्या कानून। ये चारों काम मोदी जी करेंगे ऐसे हम आशा करते हैं। आज हम मोदी जी को बधाई देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं बरसात में, उनको लाख लाख बधाई देते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं। 100 वर्ष की आयु थी, निरोगी काया थी उनको। पूरा भारतवर्ष एक दिवाली का पर्व की तरह मना रहा है। दिवाली से ही बड़ा पर्व है ये पर्व, दिवाली से ही बड़ा पर्व है। उस सच्ची में त्रेता युग में तो वो रावण को मार करके सतपति थी, तो राक्षसों को मार करके राक्षसों पर विजय प्राप्त करके और बहुत बड़े हिस्से को कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाया, जो 70 साल पहले कांग्रेस ने गलती की थी, आज भी कांग्रेस गलती कर रही है। कांग्रेस नंगी हो गई है, कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ मिली हुई है। ये राष्ट्रभक्तों की जीत है, देशभक्तों की जीत है। सभी देशभक्तों को राष्ट्रभक्तों को बहुत बहुत बधाई। तो तुम जी क्या कहना चाहेंगे आज के जीत के पर्व पे? देखिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ होगा, हम तो उस चीज़ के गवाह नहीं थे, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ऐसा ही कुछ माहौल रहा होगा देश का जब देश आज़ाद हुआ होगा। आज हम लोग उतनी ही खुशी मना रहे हैं जितना 1947 में हम लोगों ने मनाई थी। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग सब बहुत खुश हैं, पूरा देश खुश है कि आज फिर से कश्मीर हमारा हो गया है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एक हम लोगों ने स्लोगन था हमारी पार्टी का कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे के सारा है। तो आज सारा कश्मीर हमने ले लिया है, और आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक निशान, एक विधान और एक झंडा अब भारत का हो चुका है, क्योंकि कश्मीर एक हमारा ही अंग था। लेकिन कुछ लोगों ने, अलगाववादी लोग जिनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कश्मीरी बच्चों के हाथे पत्थर पकड़ा दिए और गन पकड़ा दी लड़ने के लिए, और हमारी ही सिक्योरिटी लेकर हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए और आतंकवाद को पैदा कर दिया। आज कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है, वो नज़रबंद हैं, उनको जेल होनी चाहिए, उनका पता करना चाहिए उनके अकाउंट में कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या कारोबार है, क्या कारोबार करते जो उनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज धीरे धीरे सबकी पोल खुलेगी, और जो इसमें शामिल थे उनकी पोल खुलेगी, वो भी जेल जाएंगे। और सच में आज दिल बहुत खुश है, और क्या कह सकती हूँ, शब्द नहीं है कहने के लिए। भाई तो बहुत सराहनीय है, कश्मीर हमारा एक स्वर्ग है, वो स्वर्ग के हमारे लिए द्वार खोले मोदी जी ने, मोदी जिंदाबाद, ये सिर्फ मोदी ही कर सकता था और कोई नहीं। आज मोदी के नाम के जयकारे डंके बज रहे हैं, मोदी अमर हो गया है हमारे लिए, कश्मीर के द्वार खोल के, स्वर्ग के दरवाजे खोल के, हम तो ये कहते हैं मोदी जिंदाबाद। जयंता क्या कहना चाहेंगे जीत की खुशी? अब कहने लायक रहा भी क्या है, जो हम 70 साल से जो देश इतने गर्तक में आया था, जो धारा 370 लगाई हुई थी, जो हमारे ऊपर थोपा गया था, 10 साल के लिए थोपा गया था, वो तो कहीं तक ठीक था, परंतु उनको बाकायदा लागू रखा कि पूरा कश्मीर, पूरा हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख सब गर्तक में रहे, और आज तक लड़ाइयाँ चलती रही, हमारे लोग हर साल कितने मारे जाते थे, आज पूरा देश स्वतंत्र बना। मैं तो समझता हूँ ऐसे मोदी और अमित शाह भगवान जैसे हमारे लिए आए हुए हैं, इन्होंने देश को आज़ाद कराया इस तरह से। सपना था आज वो साकार हो गया, वो पूरा सपना साकार हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा सपना साकार। सब चीज़ों का असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, सब जनता जानती है, सब लोग जानते हैं, अब पूरी तरह का वो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये फैसला भारत के इतिहास में हजारों वर्ष तक याद रखा जाएगा। जैसे पिछला वाला फैसला 70 साल बाद बदल गया, ऐसा नहीं होगा, हजारों वर्ष तक भारत के इतिहास में ये फैसला रहेगा।
और ये जो काम किया है राष्ट्रहित में किया है, चुनाव के नजरिए से नहीं किया है सरकार ने, राष्ट्र के हित में ये काम किया है, कश्मीर की जनता के हित में ये काम किया है। कश्मीर की जनता को शौचालय मिलेगा, कश्मीर के बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, उनको बिजली मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है। देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में सहयोग करने की आवश्यकता है। कश्मीर के युवाओं से भी हमारा यही आह्वान है कि दोस्तों वो गुजरे हुए दिल चले गए, नए भारत के सहयोग में नए भारत को बनाएं, सब मिलके भारत को उज्जवल बनाएं। कहा जा सकता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन। सब कुछ। खुशीराम जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूंगा, मोदी ने मुमकिन नामुमकिन मुमकिन बना दिया गया है। देश के हित के लिए 370 धारा हटा के नामुमकिन मुमकिन बना दिया, बस यही कहूंगा। गया जनता को क्या शुभकामना देना? शुभकामना मेरी तरफ से, मेरे निगम पासा की तरफ से और पूर्व विधायक की तरफ से, गाते सब देशवासियों को अपनी बाढ़ की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गया